अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली खाना खजाना। आज आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन की पोटा कलेजी की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बनाने में भी आसान। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें मैंने एक चम्मच तेल लिया है, उसमें मैंने एक बारीक काट के प्याज ली है, क्योंकि जो मैं पोटा कलेजी बना रही हूँ उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम है, इसलिए मेरी प्याज और तेल की क्वांटिटी भी आपको कम लग रही है। अब प्याज को हमें लाइट गोल्डन कलर का कर लेना है। साथ ही में मैंने इसमें डाला है आधा चम्मच ज़ीरा और 4 से 5 काली मिर्च। उसके बाद इसमें डालना है आपको आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और अदरक लहसुन को भी अच्छे से हमें 2 सेकेंड तक भूंज लेना है, जो इसकी कच्ची स्मेल है वो निकल जाए। उसके बाद मैंने इसमें डाला है पोटा कलेजी, जो कि बहुत ही अच्छे से धोकर आपको इसका पानी निकाल के इसको साइड में रख देना है। और पोटा कलेजी को आपको जब तक पकाना है जब तक इसका जो कलर है ना वो चेंज ना हो जाए, और ये काफ़ी हद तक पानी भी छोड़ेगा। आप देखेंगे जो पोटा कलेजी का कलर है वो चेंज हो गया है। उसके बाद इसमें आपको डालना है आधा चम्मच हल्दी पाउडर। उसके बाद मैंने इसमें डाला है आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तेज़ाइयत के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, नमक आपको अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल देना है। गैस का फ्लेम आपको मीडियम रखते हुए इसे अच्छे से भूंज लेना है। आप देखेंगे कि इसका जो पानी था वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है आधा चम्मच धनिया पाउडर। अब पोटा कलेजी को हमें गलाने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है, क्योंकि ये चिकन की है, बहुत जल्दी गल जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा इसको गलने में, इसीलिए आप इसे पहले थोड़ा सा ही पानी डाल के इसके ढक्कन लगाकर स्लो आंच पर पकने के लिए रख दीजिए। 10 मिनट में आप जब इसे खोल कर देखेंगे तो आप देखना इसमें जो पोटा कलेजी है वो गल गई है। ढक्कन खोलने के बाद जो कलेजी है वो नहीं गली थी, इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा सा और पानी डालकर इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए स्लो आंच पर पकने के लिए रख दिया था। उसके बाद जब मैंने इसे खोल के देखा तो हमारी जो कलेजी पोटा है वो गल चुकी थी। उसके बाद आपको इसमें डालना है हरी मिर्च काट के 2-3, साथ ही में आपको आधा चम्मच गरम मसाला डालना है, और ऊपर से गार्निशिंग के लिए हरा धनिया डालना है। हमारी जो पोटा कलेजी है वो बन चुकी है। आप इसे चाहे तो और ड्राई कर सकते हैं। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, लेकिन बन भी जाती है बहुत जल्दी। आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा एक बार। इसे आप पाव वगैरह के साथ खाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, नान के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। अगर आपने अब तक इसे नहीं ट्राई किया है, नहीं बनाया है, तो आप ज़रूर से एक बार बना के देखिए, आपको और आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी। और भी बहुत सारी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है, प्लीज़ वो भी जाके देखिए, और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। फैमिली और फ्रेंड्स में मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय एवरीवन।